औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर्स के अंदर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनकी टाइप्स वगैरह के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या, अक्सर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है, ऑपरेशन को कंट्रोल करता है किसी भी कंप्यूटर्स के, वो क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। तो ये जो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, उसके अंदर आपके पास प्लेटफॉर्म्स भी शामिल होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी आते हैं उसमें, डिवाइस ड्राइवर्स भी आ जाते हैं उसमें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आ जाते हैं बेटा। तो अब कई बार सवाल आ जाता है कि हमारे पास क्या है, किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन क्या होती हैं। हमारे पास हमने कहा था दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर आते हैं। तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कई किस्म के होते हैं। तो हमने कहा था कि उसकी टाइप्स के बारे में हमने काफी बात की थी कि आपके पास सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग होता है, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग होता है। तो आपके पास जब हमारे पास सवाल आता है कि आपके पास क्लोज प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस क्या होती है बेटा, तो एक ऐसी एप्लीकेशन जो क्या कर सकती है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सकती है, वो क्या कहलाती है, आपके पास है क्रॉस प्लेटफॉर्म आपके पास एप्लीकेशंस कहलाती है। तो अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशंस हैं, चंद एक एप्लीकेशंस आपने देखा होगा विंडोज के ऊपर चलती हैं, बाज आपके पास है मैक के ऊपर चलती हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन जो सारे किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल सके, तो वो क्या कहलाती है, हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है उसका बूटिंग है बेटा। बूटिंग क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को रिस्टार्ट कराते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका बूटिंग कहलाता है। तो बूटिंग दो किस्म की होती है, एक कोल्ड बूट होता है और दूसरा आपके पास वार्म बूट होता है बेटा। तो अगर आप किसी भी कंप्यूटर्स को हम क्या कर रहे हैं, टर्निंग ऑन कर रहे हैं, तो जब आपके पास कंप्यूटर पावर ऑफ पड़ा हुआ था तो उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड बूट। तो यहाँ पे आपके पास ये है, हमें एक शक्ल के जरिए इलस्ट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम को हम क्या करते हैं, अगर वो ऑफ पड़ा हुआ था उसको चलाते हैं बेटा, पावर बटन को ऑन करते हैं, तो ये जो अमल होगा वो क्या होगा हमारा, आपके पास जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो इससे हमारे पास क्या होगा, आपके पास कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, कोल्ड बूट कहते हैं। तो दूसरा आपके पास क्या है, वार्म बूट है। वार्म बूट दो लिहाज से किया जा सकता है। यहाँ पे आपके पास रीस्टार्ट का बटन होता है, जब कंप्यूटर चल रहा हो तो उससे हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपरली यहाँ पे कमांड दें बेटा, तो स्टार्ट के ऊपर, शट डाउन के ऊपर, टर्न ऑफ के ऊपर क्लिक करें और वहां से रीस्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है कि उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, बूटिंग का काम कर सकते हैं बेटा। जब हम बूटिंग का काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास सवाल आता है कि आपके पास क्या है, अब आपके पास सवाल ये आता है कि आपके पास है, जब हम किसी भी कंप्यूटर को बूट करते हैं तो उसके ऊपर क्या मैसेज आता है बेटा, तो उसके बारे में सवाल आता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, बायोस के वर्जन वगैरह के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, मेमोरी के बारे में होती है, डिवाइस जो आपने डिटेक्ट किए हुए या जो टेस्ट किए हुए उनके बारे में मैसेज आता है, विंडो के स्टार्टअप के बारे में, साउंड कार्ड और बाकी चीजों को चेक करके वो क्या करता है, हमें मैसेज कन्वे करता है कि आपके पास वो वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास सवाल आ जाता है कि हमारे पास रिकवरी डिस्क क्या होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम के जरिए बैकअप बना सकते हैं बेटा। तो आपके पास जो भी हमारे पास सिस्टम है बेटा, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक ऐसी डिस्क जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास सिस्टम अगर खराब हो जाए तो आपके पास जब कंप्यूटर क्या कर सकता है, काम नहीं कर सकता, बूट नहीं कर सकता, तो उसके जरिए हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बूट डिस्क कहते हैं या रिकवरी डिस्क कहते हैं बेटा। रिकवरी डिस्क फ्लॉपी डिस्क के ऊपर भी इंस्टॉल हो सकती है, जिप डिस्क के ऊपर भी, सीडी और डीवीडी के ऊपर भी। उसके बाद आता है कि टास्किंग के लिहाज से हम मुख्तलिफ टास्क वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके पास सिंगल यूजर, आपके पास क्या होता है, आपके पास सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग से क्या मुराद है बेटा, या फिर सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, हमने लास्ट ही बात की थी कि अगर एक यूजर एक वक्त में काम कर रहा हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। डॉस जो है वो आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है। अगर आपके पास सिंगल मल्टी यूजर्स हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लेकिन वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो उसके अंदर आपके पास, लेकिन वो सारे एक ही टास्क को परफॉर्म कर सके, तो उसे हम मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग कहते हैं। मल्टी यूजर
आपके पास क्या है कि सिंगल टास्किंग, बहुत सारे यूजर हो, जैसे हमारे पास नेटवेयर है बेटा, तो उसके अंदर आपके पास एक वक्त में बहुत सारे यूजर लॉग इन हो सकते हैं, वो डॉस की तरह ही काम करती है, और एक वक्त में हम एक कमांड को परफॉर्म कर दें बेटा। तो सिंगल यूजर हमारे पास आ रहा है, मल्टी टास्किंग, ये जो हमारी आम विंडोज होती है ये क्या होती है, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग होती है। तो इस वक्त में एक वक्त में क्या कर सकता है, आपके पास एक आदमी काम कर सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, एट अ सेम टाइम बहुत सारे काम कर सकता है बेटा। उसके अंदर आपके पास फोरग्राउंड में भी एप्लीकेशन होती है, और बैकग्राउंड के अंदर भी, जो हमें सामने रन आ रही होती है, नजर आ रही होती है बेटा, वो फोरग्राउंड एप्लीकेशन कहलाती है, और कुछ जो हमें नजर नहीं आ रही होती वो आपकी क्या कहलाती है, बैकग्राउंड एप्लीकेशन कहलाती है। मसलन हम क्या कर सकते हैं, अगर कंट्रोल आर डिलीट प्रेस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, विंडो टास्क मैनेजर आ जाता है। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि कौन कौन सी है, मसलन हमारे पास क्या है, प्रोसेस जितने भी चल रहे होते हैं, तो हमारे पास एक वक्त में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस सर अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कहलाता है, मल्टी टास्किंग कहलाता है बेटा। तो अगर वहां पे विन वर्ल्ड लिखा होगा तो इसका मतलब है वर्ड प्रोग्राम चला रहे हैं, ये एक्सप्लोरर डॉट एक्सी लिखा हुआ था, एक्सप्लोरर चला रहे हैं बेटा। कुछ सिस्टम टास्क भी होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एट अ सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे काम परफॉर्म कर रहे हैं बेटा। अब सवाल आ जाता है कि आपके पास क्या है, कि आपके पास जो मैनेजमेंट के फीचर्स हैं उसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, तो यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजमेंट फीचर्स क्या से क्या क्या हो सकते हैं बेटा। एक होता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, आपके पास एक प्रोसेसर जो है वो क्या कर सकता है, प्रोग्राम जो है एट अ सेम टाइम जो है मल्टीपल को रन कर सकता है, तो वो क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। मल्टी यूजर अगर एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम ये नहीं है कि हम विंडो के अंदर जैसे दो तीन अकाउंट बना लेते हैं, तो एक वक्त में एक आदमी लॉग इन हो गया, दूसरे वक्त में दूसरा, तो एक वक्त में आपके पास मल्टीपल यूजर लॉग इन हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी यूजर कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या, फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या करता है, आप अपने कोई भी आपके पास हार्डवेयर फेल भी हो जाता है तो उसके सूरत में वो क्या करता है, अपना काम जारी रखता है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि आपके पास डुप्लीकेट कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगर एक प्रोसेसर फेल हुआ तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए थे, एक मेमोरी फेल हुई तो उसके अंदर दूसरी इस्तेमाल हो सकती है, एक डिस्क ड्राइव के ऊपर डाटा महफूज नहीं कर सकते तो अल्टरनेटिव डिस्क ड्राइव कर सकती है इस्तेमाल। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है बेटा। तो हमारे पास क्या है कि रैम को ऑप्टिमाइज करने का काम भी क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो उसके अंदर सवाल आ जाता है बेटा कि स्पूलिंग क्या होती है। तो आपके पास हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, किसके जरिए, हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, स्पूलिंग क्या है कि आपके पास वो प्रोसेस है कि आपने प्रिंट जॉब, जब आप कोई भी प्रिंट की कमांड देते हैं तो आप प्रिंटर के पास नहीं जाती, तो आपके पास है, आप उसको जब भी वो भेजते हैं तो वो क्या होती है, एक मखसूस मेमोरी के अंदर जाती है जिसे हम बफर कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट जॉब जो होती हैं असल में क्या होती हैं, एक क्यू के अंदर होती हैं, उसके अंदर हम प्रायोरिटी वगैरह उसकी प्रिंटिंग वगैरह के या बाकी चीज़ें सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने उसे प्रिंट करना है बेटा। डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में हम पहले जानते हैं कि आपके पास क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिवाइस ड्राइवर्स को कंट्रोल भी वही करता है। फिर आपके पास प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज क्या होती है बेटा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स के लिहाज से सवाल आ जाता है कि आपके पास कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि आपके पास स्टैंड लोन होता है, नेटवर्क होता है, और एम्बेडिंग होता है। तो आपके पास स्टैंड लोन के बारे में थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे तरीके से कह रहे थे कि इस तरीके से वो सवाल हमारे कवर नहीं हो रहे। डॉस क्या होता है, तो यहाँ पे असल में क्या है, आपके पास ये स्टैंडर्ड लॉन ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। तो ये दूसरे हम कहते हैं कि ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1980s के अंदर डेवलप किया गया था और आजकल बहुत कम ही इस्तेमाल होता है बेटा। तो आमतौर पर लेकिन क्या है कि आपके पास क्या है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गई है, तो कोई आदमी इसको पसंद नहीं करता, लेकिन हर जो आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर ये मौजूद होता है। तो यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस होती है आपके पास, इस तौर पर आपके पास जो थी उसके अंदर क्या था, डॉस शेल था, जिसके अंदर हम कमांड टाइप कर सकते थे बेटा। उसके अलावा अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे पास विंडोज आ जाती है, विंडोज जो थी 1990s के अंदर बनना शुरू हुई, तो उसके बाद आपके पास विंडो 3.0 आई, उसके बाद विंडो आपके पास 3.1 आई 1993 के अंदर, 1995 के अंदर विंडो 95 आई, उसके बाद विंडो एंटीवायरस स्टेशन थी 96 के अंदर आई, विंडो 98 के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, विंडो मिलीनियम जो बाद में विंडो 2000 प्रोफेशनल में कन्वर्ट हुई बेटा, ये भी 2000 के अंदर आई, विंडो एक्सपी 2001 में आई, विंडो सर्वर 2003, और आजकल हम क्या कर रहे हैं, विंडो 10 को इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सारे के सारे क्या है,
स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे के सारे आपके पास विंडोज भी हो सकती हैं और उसके अंदर आपके पास क्या है दूसरे भी। अब आपके पास स्टैंड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज क्या होती है, विंडोज असल में क्या है, जिस तरीके से हमने डॉस बात की थी, डॉस भी असल में क्या थी, आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है। ये आपके पास फास्टेस्ट है, रिलायबल विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारे आपके पास ऑपरेटिंग एडिशन है बेटा। उसके अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास होम एडिशन भी है, प्रोफेशनल एडिशन भी है, टैबलेट वगैरह के ऊपर करना चाह रहे हैं उसके लिए अलहदा है, आपके पास मोबाइल वगैरह के लिए अलहदा है, विंडो सर्वर्स के तौर पर काम करना चाह रहे हैं तो वो अलहदा बेटा। तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की आपके पास क्या है करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए डिवाइस डिपेंडेंट के लिहाज से। तो ऐसा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के ऊपर चलता है वो डिवाइस डिपेंडेंट कहलाता है बेटा। प्रोप्राइटर कहते हैं ना बेटा सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी जो होता है असल में क्या होता है, आपके पास किसी स्पेसिफिक वेंडर्स या कंप्यूटर मॉडल्स के लिए जो होता है वो आपके पास क्या है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डिवाइस इंडिपेंडेंट क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा आपके पास है जो हर कंप्यूटर के ऊपर चल सकते हैं। तो ये जो विंडोज है वो असल में क्या है डिवाइस इंडिपेंडेंट है बेटा। उसके अलावा उसके अंदर क्या होती है डाउनवर्ड कंपैटिबल होते हैं बेटा। अगर आपके पास कोई भी काम आपके पास है पिछले पुराने वर्जन के अंदर हो रहा है तो फिर वो क्या होगा आपके पास है? जो होगा इससे अगले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो सकता है। तो डाउनवर्ड कंपैटिबल भी होता है और अपवर्ड कंपैटिबल के लिहाज से बात भी की जा सकती है। तो आपके पास कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके पास अर्लियर वर्जन के लिए लिखा गया था वो क्या होता है आपके पास है डाउनवर्ड कंपैटिबल कहलाता है। और जो आपके पास करंट ऑपरेटिंग सिस्टम और एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी रन कर सकता है वो क्या कहलाता है अपवर्ड कंपैटिबल कहलाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड अलोन के अंदर आपके पास मैकिंटोश मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं बेटा। मैक जो है असल में क्या है कि आपके पास जो एप्पल हार्डवेयर है बेटा उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो है असल में क्या है कि आपके पास ये भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कमांड लाइन नहीं है। इसके अलावा आपके पास OS 2 है, रैप 2 क्लाइंट है बेटा, IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर है आपके पास नेटवर्किंग वगैरह, जावा इंटरनेट वगैरह की सपोर्ट भी है, स्पीच रिकग्निशन की सपोर्ट वगैरह भी है। तो ये भी आपके पास क्या है सिंगल आपके पास क्या है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कंप्यूटर के ऊपर अलग से चलाया जा सकता है। यूनिक्स है, यूनिक्स भी असल में क्या है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है बेटा सिस्टम है, तो हम आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते, ईज ऑफ यूज नहीं है बेटा, लेकिन इसके अंदर आपके पास क्या है आज इब्तदाई तौर पर इसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं थी, लेकिन मोस्ट ऑफ वर्जन इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट है करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास स्टैंड अलोन के अंदर भी और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। तो अब हमारे पास लिनक्स क्या है, आपके पास क्या है लिनक्स जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो यूनिक्स ही आपके पास टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ओपन सोर्स होता है, कोई भी आदमी उसके जो है सोर्स के अंदर तब्दीली कर सकता है, इसके लिए लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो आपके पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क के ऊपर चल सके बेटा। तो माइक्रोसॉफ्ट के आपके पास क्या है विंडोज सर्वर्स है, उसके अलावा आपके पास क्या OS 2 है, रैप 2 सर्वर्स है, ई बिजनेस वगैरह के लिए IBM का है बेटा। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें नेटवर्क जो है आपके पास वो असल में क्या था सिंगल यूजर आपके पास सॉरी मल्टी यूजर था बेटा, लेकिन सिंगल टास्किंग था। तो उसके अंदर क्लाइंट सर्वर अप्रोच के अंदर और ये इसके आपके पास कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस से मिलता जुलता है। इसके अलावा सोलारिस है बेटा, उसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं यूनिक्स बहुत सारे सिस्टम या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट के जरिए नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। बहुत ही पावरफुल आपके पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके पास है मोबाइल्स के अंदर, PDA के अंदर या फिर छोटे डिवाइसेस वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है एंड्रॉयड भी आ जाता है एग्जांपल, और विंडोज CE.NET भी आ जाती है जो आपके पास विंडोज का वर्जन था जो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा बेटा। तो आपके पास क्या है PDA वगैरह के अंदर आपके पास पॉकेट PC 2002 है आपके पास, वो इस्तेमाल करते हैं। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर आपके पास पाम के लिए, विजर के लिए या क्लाई वगैरह के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या कर सकता है आपके पास कई टास्क परफॉर्म कर सकता है बेटा। तो आपके पास मेंटेनेंस टाइप्स जितने भी हैं आपने यहाँ पे आप अगर आपने विंडोज को ओपन करते हैं एक्सेसरीज के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलते हैं जो हमें मेंटेनेंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास विंडो एक्सप्लोरर होता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं आप चीज़ों को देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है
कि आपके पास एक्सेसरीज के सब मेन्यू खोलने तो वहां पे भी आपके पास क्या है, ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपके पास ये चीजें हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं तो बैकअप वगैरह के लिए, उसके जरिए हम बैकअप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई भी बैकअप वगैरह खराब हो जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे वो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि बैकअप वगैरह की यूटिलिटीज के लिए, डिस्क को स्कैन वगैरह करने के लिए, डिस्क को डीफ्रैग वगैरह करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा बहुत सारे। तो यहाँ पे आपके पास ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं बेटा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि डिस्क स्कैनर्स, हम इनको अलग अलग पे बात कर लेते हैं। डिस्क स्कैनर जो है वो असल में क्या करता है, डिस्क के अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह को देखता है। फ्लॉपी डिस्क वगैरह अक्सर खराब हो जाती थी, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं थी, तो उसको स्कैन करता है, उसके अंदर से जहां जहां एरर्स होते थे उसकी निशानदेही करता था। हम हार्ड डिस्क के ऊपर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। इस तरीके से हमारे पास क्या है कि आपके पास क्या है कि बैकअप यूटिलिटीज जो है वो असल में क्या करती है, आपके पास जो आपके पास इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जो आपके पास आर्चिव फाइल्स वगैरह होती हैं, उसको कॉपी करती है। और इसके अलावा और भी फाइल जो हमारे पास हैं जिसको हम चाहते हैं कि बहुत अहम है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करती है, बैकअप जो लेती है तो आपके पास जो बड़ी फाइल्स होती हैं उनको कंप्रेस कर देती है बेटा। हमारा डाटा क्या होता है, सेगमेंटेड पड़ा होता है। मतलब यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आपके पास कोई भी फाइल है तो ये एक फाइल है, ये मुख्तलिफ जगह पर पड़ी हुई है। इसको हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है ताकि हमें एक्सेस करने में आसानी और तेजी हासिल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटेड इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करता है, आपके डाटा को तरतीब देने के लिए इस्तेमाल होता है बेटा। स्क्रीन सेवर्स होते हैं, आपकी स्क्रीन जो होती हैं खास तौर पे आपके पास फास्फोरस वगैरह के लिहाज से बनी होती थी, पुरानी जो सीआरटी मॉनिटर्स होते थे तो उसकी स्क्रीन मॉनिटर के ऊपर फास्फोरस की बार बार स्ट्राइक करने की वजह से इलेक्ट्रॉन गन, जब इलेक्ट्रॉन फायर करती हैं तो वहां पे फास्फोरस आपको आउटपुट देता है, तो उसके बार बार इस्तेमाल की वजह से आपकी फास्फोरस खराब हो सकती थी, तो उसके लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पे दूसरा यूजर सिक्योरिटी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास ये इंटरफेस नजर आना शुरू हो जाता है। तो जब तक हम पासवर्ड नहीं देते तो वो कोई भी आपके डाटा रिसोर्सेज वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकता बेटा। तो ये दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा आपने डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज होती है बेटा, तो जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, आपके पास जितनी भी आपके पास मुख्तलिफ चीजें हैं, हार्डवेयर वगैरह अटैच हैं, उसके बारे में हमने देखना है, तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो विंडोज के अंदर भी हमारे पास डायग्नोस्टिक जो होती हैं यूटिलिटीज मौजूद होती हैं, जिसके जरिए सारी चीजें चेक की जा सकती हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, वायरस वगैरह, हम कहते हैं कि वायरस को स्कैन करने के लिए फायरवॉल्स वगैरह होती हैं, बाकी चीजें भी होती हैं बेटा। वायरस क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, या फिर कोई भी अनयूजुअल काम कर सकता है, किसी भी इमेज को बार बार कॉपी कर रहा है, डाटा को बार बार कॉपी कर रहा है, या फिर म्यूजिक प्लेइंग को रोक देता है, या फिर और भी कोई भी आपके पास क्या है, इवन जो आपके पास अनयूजुअल काम है तो उसको आपके पास नॉर्मल वर्किंग को रोक देता है, तो वो क्या कहलाता है, वायरस कहलाता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स को हम क्या कर सकते हैं, एंटीवायरस के जरिए रोक सकते हैं बेटा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, फायरवॉल्स वगैरह भी होते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम भी है, उसके अंदर आपके पास है मैकेफी है, एवीजी है, और बहुत सारे दूसरे आपके पास हैं। तो उसके अलावा हमारे पास क्या है, फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज होती हैं, जिसके जरिए हम मैक्सिमम डाटा को श्रिंक करके रिड्यूस साइज में लेकर आ सकते हैं बेटा। तो आपके पास हम इससे जो फाइल्स जनरेट करते हैं वो जिप फाइल होती हैं, तो उसके लिए विन जिप है या पी के जिप है, और बहुत सारी हमारे पास विन आर ए आर है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। फायरवॉल्स होती है बेटा, फायरवॉल असल में क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आपके कंप्यूटर को, अनऑथराइज बाहर से लोगों एक्सेस करने की कोशिश करते हैं बेटा यहाँ पे उसको, और क्या करती है, जितने भी आपके पास ट्रांसमिशन है, डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग है, उसको कंट्रोल करती है बेटा। तो ये हमारे थे यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर वगैरह जिसकी हमने बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद आगे चलेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।